खुश आमदीद कहती हूँ राना एहसान अफजल साहब को, आप कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के और PMLN के सीनियर रहनुमा हैं, तो उनसे इस पर सारे इश्यूज़ पर बात भी होती रहेगी हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राना एहसान अफजल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में। राना साहब, आपकी तरफ आने से पहले मुझे थोड़ी सी इजाज़त दीजिएगा, मैं इमरान साहब और चौधरी साहब का एक शॉर्ट कमेंट ज़रूर लूँगी जो ओवरऑल इस वक्त एक पॉलिटिकल मंजरनामा बन रहा है मुल्क में उसके हवाले से। इमरान साहब, अपोजिशन ने अपना एहतजाज कल भी रिकॉर्ड कराया, मज़ीद भी जलसे करने का इंदिया दिया है और उसके साथ साथ वो ईवान के अंदर भी अपना इजलास तलब कर लिया उन्होंने और उन्होंने कहा कि जी उन पर कौमी असम्बली में भी अपोजिशन के एजेंडे पर बात होगी। ये एजेंडा क्या है अपोजिशन का और कौमी असम्बली में आपको लगता है कि वो एक टफ़ टाइम फिर से देने के लिए तैयार हैं गवर्नमेंट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें समीना, सीधी सी बात है कि अगरचे जिन जलसों की आपने बात की या अपोजिशन की जिस तहरीक की बात की, अभी वो कोई खासा सुस्त एक मोमेंटम है, उस तरह से वो मोमेंटम नहीं है, लेकिन क्योंकि आगाज़ है हमें ये देखना चाहिए कि पहले दिन ही तहरीक नहीं चल जाती। अपोजिशन जो है अगर वो कामयाब हो जाती है मोमेंटम बनाने में या अपना एक ऐसा माहौल बनाने में कि जिस पे हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी कर सके, तो फिर ये खासा मुश्किल हो जाएगा। नंबर एक तो ये है। दूसरा, अपोजिशन कौमी असम्बली में अच्छी खासी तादाद में है, वहाँ कुछ भी ना करें शोर मचा के बिजनेस जो है उसको डिस्टर्ब करके ये चीज़ें करके वो मीडिया टाइम तो हासिल कर सकते हैं ना, ये चीज़ें तो कर सकते हैं। तो अब इस मीडिया के दौर में ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे आप अपोजिशन की प्रेजेंस, खसूसन PTI का जो सोशल मीडिया पे आप ये समझे कि कंट्रोल है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत के लिए ये बड़ा खासा मुश्किल टाइम है और हुकूमत को इसको बिल्कुल भी इजी नहीं लेना चाहिए। हुकूमत पे प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा और हुकूमत को इस प्रेशर से बचने के लिए और इससे पहले कि ये तहरीक वाकई कोई तहरीक बन जाए या तहरीक की शक्ल ले ले या कोई प्रेशर को 2014 जैसा कोई धरना, अगरचे मैंने कल भी कहा था कि बानी PTI इमरान खान के बगैर अपोजिशन जो है PTI उस तरह से कोई बना नहीं सकेगी, लेकिन फिर भी चांसेस तो हर वक्त मौजूद होते हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि वो इस वक्त जो है अपोजिशन को अपने साथ इंगेज करे, किसी ना किसी सतह पे उनके साथ मुज़ाकरात शुरू करे, उनको टेबल पे लाए, उनसे बातचीत शुरू करे और उस इस माहौल को थोड़ा सा इतना सा ठंडा किया जा सके कि अपोजिशन कम अज़ कम असेंबली में जो बिजनेस है वो पूरी तरह से चले और चीजें ज्यादा खराबी की तरफ ना जाए। चौधरी साहब, आपको लगता है कि ऑपोजिशन इतना प्रेशर बढ़ाने में कामयाब हुई है किसी हद तक कल के जलसों के बाद और फिर जो ओवरऑल एक उनका अभी तक का पार्टिसिपेशन रही है कौमी असम्बली के इजलासों में, खासा भरपूर टफ टाइम देते हैं वो हुकूमत को, तो प्रेशर डालने में अभी तक कामयाब हुई है ऑपोजिशन? अपोजिशन जो है वो तो जाहिर है उसका काम जो है वो शोर मचाना होता है और उसका काम जो गवर्नमेंट की नाकामियां हैं उनको निशानदेही करना जरूर होता है। अभी तक समीना आप देखिए कि ये हुकूमत किसी भी किस्म का ना पंजाब में ना वफाक में कोई ऐसा काम करने में कामयाब नहीं हो सकी है जिससे अवामी सतह पे पजीराई हासिल हो। सऊदी अरेबिया से जो है वो इन्वेस्टमेंट एक आ रही है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट का दौरानिया क्या होगा, उसको कामयाबी क्लियर करार दिया जा रहा है लेकिन अभी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन सामने आएंगी, यानी अगर कुछ बिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी 10 सालों में आनी है तो फिर वो तो बहुत लंबा एक प्रोसेस है, उसका हमारी इकोनॉमी के ऊपर तो कोई इफेक्ट फौरी तौर पर पड़ने वाला नहीं है। IMF का पैकेज जो है वो वज़ीर ख़जाना बाहर जा रहे हैं तो वो उस बड़ी सख्त टर्म्स एंड कंडीशन पर आएगा। ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी की जो बिजली है उसकी प्राइसेस जो है वो इन्हेंस की जा रही हैं, तो गवर्नमेंट को अपने मसाइल जो डिलीवरी के हैं वो भी हैं और उसके साथ साथ अगर सियासी तौर के ऊपर जो है वो अपोजिशन कल से मुतारिक हो गई है और ये 6 जमातें हैं, कॉम्प्रेस जमातें भी हैं और ज़ाहिर है PTI जैसी एक नेशनल लेवल पर इंतहाई ताकतवर और बड़ी पॉपुलर जमात है वहाँ उनके साथ हैं। इसके साथ साथ अगर KP में फजल रहमान साहब शुरू हो जाते हैं तो वो भी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आएगा और असेंबली के अंदर भी एक बहुत बड़ी तादाद है अपोजिशन की जो है वो आने वाले वक्तों में जजेस का इशू जो है वो अदालती माहौल पे गर्म होगा, माहौल पे
आवाम के ऊपर जो हमेशा यानी हर तरफ से एक मसाइल और चैलेंजेस का अंबार है इस वक्त जो सामने नजर आ रहा है। और अमली की को नजर नहीं आती ना जमीन। असल में बात यह है कि मसाइल तो है, उसको हल करने के लिए जो हिकमत अमली है नजर नहीं, वो एक बहुत टिकटॉक के ऊपर ही है, बाकी तो कोई बात। राणा साहब हमारे साथ हैं तो हम उनसे पूछ लेते हैं कि आखिर हुकूमत की हिकमत अमली है क्या। राणा साहब आपने चैलेंजेस तो मेरा ख्याल है आपको भी कोई इस पर नहीं होगा एतराज़, चैलेंजेस तो ऑलमोस्ट यही हैं जो इस वक्त हुकूमत को दरपेश हैं, लेकिन स्ट्रेटजी कहाँ है और ख़ुद हुकूमत भी इतनी इत्तेहाद नहीं उसमें नज़र आता ना, पीपल्स पार्टी उस तरह साथ खड़ी है पीएमएलएन के, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पीएमएलएन के अंदर से भी बड़ी मुखालिफ आवाज़ें और बड़ी डिफरेंट आवाज़ें जो हैं वो उठ रही हैं। तो आप लोग हुकूमत चलाते हुए ये क्या स्ट्रेटजी क्या अपनी बना रहे हैं और क्या आपको लग रहा है कि आप स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स पे कुछ चैलेंजेस से निमट पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए गवर्नमेंट ने तो एक भरपूर स्ट्रेटजी बनाई है और उसका ऐलान भी किया है। आपका सबसे बड़ा इशू जो है वो रेवेन्यू का है और वहाँ हुकूमत जो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है वो लेके आ रही है। FBR की अगर बात की जाए तो उसको रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है जिसमें पॉलिसी को अलहदा कर दिया जाएगा, कस्टम्स को अलहदा कर दिया जाएगा और इनलैंड रेवेन्यू को अलहदा कर दिया जाएगा। डिजिटलाइजेशन को हम उतारे फिर आ रहे हैं एक लार्ज स्केल के ऊपर, उसके लिए इंटरनेशनल कंसल्टेंट की हायरिंग का प्रोसेस जारी है जिसके तहत ट्रैक एंड ट्रेस को पूरे पाकिस्तान में नाफिज किया जाएगा, बॉर्डर्स में, कस्टम्स में, उसके अलावा पॉइंट ऑफ सेल को एक्सपेंड किया जाएगा और डीजल जो हमारी जो एक ड्राइव थी चार बड़े शहरों के अंदर रजिस्ट्रेशन ऑफ रिटेल सेक्टर वो इस वक्त जारी है और उसके अंदर हमें कबाहत की नजर आ रही है कि उसको मुकम्मल तौर पे ट्रीट कर पाएंगे। देखिए दूसरा एक्सपेंडिचर साइड के ऊपर ऑलरेडी एक कमेटी बन चुकी है जो अपने मेजर्स जो हमने लेने एक्सपेंडिचर्स को रिड्यूस करने के उसमें वजारतें कम करने का भी एजेंडा है कि किस तरीके से जो डिवॉल्व डिविजन है उनको कर दिया जाए विभाग से। उसके अलावा सब्सिडीज को क्रॉस सब्सिडीज से डायरेक्ट सब्सिडीज किया जाए, क्रॉस सब्सिडीज को खत्म किया जाए, जो अशराफिया के ऊपर वेवर्स है उनको खत्म किया जाए, उस पे इस आने वाले बजट के ऊपर काम किया जा रहा है। तो पावर सेक्टर के ऊपर थेफ्ट के ऊपर एक लायबल बना लिया गया है, एफिशिएंसी इंप्रूव करने पे लायबल बना लिया गया है कि कैसे आप टेक्नोलॉजी। लेकिन सियासी चैलेंजेस से निपटने का क्या लायमल है? ऑपोजिशन से कोई बातचीत के लिए आप लोग सोच रहे हैं या नहीं? उसके अंदर बड़ी सिंपल सी बात है, हमारा मौका है कि ये असेंबली फोरम है जहाँ डिबेट हो सकती है, वहाँ बातचीत हो सकती है। बाकी देखें जो धरने इन्होंने देने या अगर इन्होंने जुलूस करने या जलसे करने वो पहले भी इनके कोई इतने इफेक्टिव नहीं है। अगर आप पिछले दो तीन सालों में देखें पीटीआई की परफॉर्मेंस, उन्होंने लॉन्ग मार्च करने की कोशिश की वो एक फेलियर था, उन्होंने इस्लामाबाद आके धरने देने की कोशिश की वो एक फेलियर था। तो अभी जो इनकी क्यादत तितर बितर है, देर फाइट नहीं आए, किसी का कोई मौकफ है किसी का कोई मौकफ है, तो हम इसको एक इतना बड़ा वो नहीं समझते कि हमी बलतराए मिलने वाली है, बाकी वक्त बताएगा। बहरहाल हमारा इनको ये खुली ऑफर है कि वो असेंबली आए और असेंबली के साथ जो इनके जो इश्यूज हैं जो इलेक्शंस के रिलेटेड है वहाँ कमेटी बनाई जा सकती है, उधर बातचीत की जा सकती है, तो वो रास्ता है। बाकी हमारे पास उनके पास और अब क्या हम ऑफर करें जबकि इनके जो सोल्यूशन इनके इशूज का वो अदालतों में वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में। राणा साहब ये फरमाइएगा कि अपोजिशन ये जो जलसे जुलूस करने जा रही है तो क्या उनको फ्री एंड दिया जाएगा या सख्ती से निपटा जाएगा? देखिए ये तो डिपेंड करता है कि हर जगह की क्या सिचुएशन है। अगर मिसाल के तौर पर किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिक्योरिटी सिचुएशन है उनको इजाजत तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से लेनी है ना, तो अगर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट समझती है कि वो प्रोवाइड कर सकती है एक रैली को या एक जलसे को और दीगर मामला होते हैं बिल्कुल दे सकती है उनको इजाजत, तो उसमें लेकिन अगर वो इजाजत नहीं देती और उसके पक्ष जो है वो कोई वहाँ जलसा करते हैं तो फिर डेफिनेटली वो कानून को तोड़ेंगे। उनको असूली तौर पे चाहिए कि ऐसी अगर इजाजत नहीं मिलती तो फिर वो अदालतों में जाए। बहरहाल ये तो जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं उनको मुनसर है तो सिक्योरिटी सिचुएशन और बाकी जो दीगर अदारों हैं उनसे लेके देना चाहती है तो उसके लिए वो यानी आप जो है अपोजिशन को इजाजत नहीं देंगे। रान साहब ये जो अभी आपने सारा रिफॉर्म्स का प्रोग्राम बताया है ये तो बातें तो अच्छी लगती हैं लेकिन इसके इफेक्ट क्या होंगे और बजट में जो है अभी तक टैक्स नेट में ट्रेडर्स को
फर्स्ट अप्रैल से कहा गया था कि आप इसको लाएंगे और एक डिजिटलाइजेशन जो है ट्रेडर्स की वो भी स्टार्ट नहीं हो सकी। कौन सी रिफॉर्म्स का आप इकॉनमी पे कौन सा असर पड़ता हुआ देख रहे हैं? इनलैंड रेवेन्यू और कस्टम को अलहदा करने से क्या इफेक्ट आएगा? कितना रेवेन्यू आप जनरेट करेंगे और ये कितने देर का प्रोग्राम है? ये आपके जो एस्टिमेशन में कब तक ये पैसे आने शुरू हो जाएंगे? बिकॉज पाकिस्तान के इस वक्त जो इकोनॉमिक कंडीशन है खासकर अवाम से मुतालिक वो तो फौरी रिलीफ की जो है वो रिक्वायरमेंट है, तो उस सिलसिले में आप क्या करेंगे? देखें सबसे अभी तो ये इख्तिताम पज़ीर होने लगा है, तो जब ये बजट अनाउंस होगा तो इसमें नए मेजर्स लिए जाएंगे, इसके अंदर जो हमारा प्लान है वो इम्प्लीमेंट होगा। तो इस बजट में आपको ये चीजें इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नजर आएगी, जहाँ मैंने कहा टैक्स वेवर्स जो है वो भी खत्म किए जाएंगे, जो पॉलिसी नहीं है माजी की जिसमें टैक्स रेट बढ़ाया जाता है लेकिन टैक्स भी बढ़ाया जाता है, तो इस दफा ऐसा ट्रेंड ही आप देखेंगे, आप टैक्स बेस की तरफ ज्यादा तवज्जो देखेंगे, टैक्स बेजन की तरफ ज्यादा तवज्जो देखेंगे डिजिटलाइजेशन टू। तो ये सब कुछ हम इस बजट में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, जहां तक ड्राइवर रजिस्ट्रेशन की वो कामयाबी से आगे बढ़ रही है, चार बड़े शहरों के अंदर रजिस्ट्रेशन ड्राइव जारी है और उसके अंदर अगर कोई नहीं ताबन करेगा तो हुकूमत के पास वो कानून मौजूद है जिसके तहत कार्रवाई कर सकती है।